कैसे एक माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिनकी स्वयं ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई कहानी है। उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया कि जब वो 8 साल के थे, तब उनकी स्कूल ने उन्हें एक पत्र दिया कि जाकर अपनी माँ को दे देना। माँ वो पत्र लेती है, खोलती है और पढ़ती है, और पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो 8 साल का बच्चा ये पूछता है कि माँ इस पत्र में क्या लिखा है। तो वो माँ कहती है कि बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा प्रतिभा का धनी है, बहुत ही टैलेंटेड है, हमारा मैनेजमेंट और हमारा स्टाफ इसको पढ़ाने के लायक नहीं है। ये कहकर वो पत्र माँ अपनी अटैची में रख लेती है। बहुत समय के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक बन गए। वो जब घर को शिफ्ट कर रहे थे तो एक अलमारी में उनको वो पत्र मिलता है, धूल में सनावा। वो धूल से झटकाकर देखते हैं कि ये तो वही पत्र है जो मैंने 8 साल की उम्र में अपनी माँ को दिया था। उस पत्र को जब वो खोलते हैं और जैसे ही पत्र को पढ़ते हैं, वो जोर जोर से जार जार रोने लग जाते हैं, क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, हमारी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप कृपया इसको घर में ही तैयारी करवाएं, कल से इसको स्कूल में नहीं भेजें। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि कैसे एक माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। तो दोस्तों, ये होता है मोटिवेशन, कि मोटिवेशन से इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है।